Hey everyone, you're most welcome to the Jiten Student YouTube channel. My dear friends, इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल कुछ वर्ड्स जो कि हमारी डेली लाइफ की स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है. अगर आप इसको लर्न कर लेते हो तो शायद आपकी स्पीकिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाने वाले या फिर आप काफ़ी अच्छे खासे जो शब्द नहीं बोल पाते उसको आसानी से बोल पाएंगे. जैसे कि हमारे पास है नो वन एंड नो बडी. नो वन एंड नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं. देखिए फ्रेंड्स, ये जो नो वन एंड नो बडी होता है ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है. इस सेंटेंस में कभी भी नॉट या नो का प्रयोग नहीं होता और इसका मतलब होता है कोई नहीं. जैसे कि नो वन केम या कह सकता हूँ नो बडी केम, यानी कोई नहीं आया. कभी भी मैं ऐसे नहीं कहूँगा नो वन डिड नॉट कम, ये गलत हो गया क्योंकि नो ऑलरेडी आ गया तो डिड मतलब नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. क्लियर नॉट, तो ये हो गया. और होता है नथिंग. नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं. क्या होता है? कुछ नहीं. जैसे आई नो नथिंग, मैं कुछ नहीं जानता हूँ. क्लियर और नॉट. एक होता है नोवेयर. नोवेयर का मतलब क्या होता है? कहीं नहीं. आप इसको बोलेंगे नोवेयर, नोवेयर. क्लियर, यानी कहीं नहीं. क्लियर. अब आपके सामने कुछ और वर्ड्स लाता हूँ. जैसे क्या होता है एवरीवन एंड एवरीबडी. एवरीवन एंड एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई, आप बोल सकते हैं. देखिए नो वन एंड नो बडी जो था ये एक दूसरे के इंटरचेंजेबल थे, एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते थे. सेम इसी तरह तरीके से जो होता है एवरीवन एंड एवरीबडी, ये भी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकता है. क्लियर. एंड इसका मतलब क्या होता है? हर कोई या प्रत्येक व्यक्ति होता है. क्लियर. और देखिए होता है एवरीवेयर. एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह या प्रत्येक जगह. क्लियर. और होता है एवरीथिंग. एवरीथिंग का मतलब क्या होता है? सब कुछ. जैसे लोग बोलते हैं आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, आप मुझे मत बताओ. सुन मारा, ऐसे होता है. दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आता है प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. लेकिन और आपको देखते रहिए वीडियो की इन तक. अभी आपको मैं आठ वर्ड सबको और बताता हूँ. ठीक है. एक होता है एनी वन एंड एनी बडी. एनी वन एंड एनी बडी का मतलब होता है ठीक है कोई भी. क्या होता है? कोई भी. जैसे एनी वन एंड एनी बडी, सेम उसी एवरी वन एंड एवरी बडी एंड नो वन एंड नो बडी की तरह सेम ये होता है. बट एनी वन एंड एनी बडी का मतलब होता है कोई भी. ये भी एक दूसरे पर इंटरचेंजेबल होते हैं, एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं. और इसमें भी क्या होता है, जो एनी वन है थोड़ा सा ज़्यादा यूज करा जाता है और एनी बडी जो होता है थोड़ा सा कम यूज करा जाता है. बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम समझिए कि दोनों का मतलब सेम होता है. क्लियर. आप यूज कर सकते हैं चाहे एनी बडी चाहे एनी वन यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसका मतलब कोई भी. और एक होता है एनीथिंग, मतलब होता है कुछ भी. जैसे डोंट स्पीक एनीथिंग, ठीक है, या स्पीक एनीथिंग, ठीक है, यानी कुछ बोलो, मतलब कुछ भी बोलो, ऐसे करें. ठीक है. या एनीवेयर. एनीवेयर का मतलब होता है कहीं, कहीं भी. क्या होता है? कहीं भी. ठीक है. यू कैन सिट डाउन एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ सकते हो. ठीक है. तो एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग एंड एनीवेयर हो गया. आपके सामने एक और नया लेता हूँ जो कि बहुत प्यारा आपके लिए है, जो होता है कि समवन एंड समबडी. समवन एंड समबडी का मतलब होता है कोई. ये भी एक दूसरे के इंटरचेंजेबल होते हैं, समवन एंड समबडी एक दूसरे के स्थान पर यूज हो सकते हैं. समवन जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा यूज करा जाता है, समबडी थोड़ा सा लेस यूज करा जाता है, दैट्स इट. और एक होता है समथिंग. समथिंग का मतलब होता है कुछ. जैसे ईट समथिंग, कुछ खा लीजिए. स्पीक समथिंग, कुछ बोलिए, ऐसे करके होता है. क्लियर. एक और होता है समवेयर. समवेयर का मतलब होता है कहीं. क्या होता है? कहीं. जैसे ही वेंट समवेयर, वह कहीं गया. तो क्या आपको समझ में आ गया ये सब 16 वर्ड आपके सामने है? अगर समझ में आ गया तो सब्सक्राइब करिए जितेंगे स्टूडेंट को इसी प्रकार के वीडियोस के लिए. माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि आप ऐसे वीडियोस हमेशा पाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू सो मच. जय जय भारत. क्लिक द यू नो बेल आइकन एंड सब्सक्राइब फर्स्ट ऑफ ऑल एंड लाइक दिस इफ यू लाइक दिस. थैंक यू सो मच. जय जय भारत. मिलते हैं अगले वीडियो.